मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स और सेक्टर्स जो आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड देते हैं और सेफ स्टॉक्स, उनमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं, वरना जाहिर सी बात है कि जो फिक्स इनकम की साइड पे जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अभी काफी ज्यादा हैं। बट जैसे अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स मिल सकते हैं जिसकी डायनेमिक्स भी अच्छे हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमें नजर आ रहा है कि थोड़ी टैक्सेशन इश्यूज हैं, बट बहुत ज्यादा कोई डिविडेंड की साइड पे रिस्क नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ हमें कुछ ईएनपी कंपनीज हैं सिलेक्टेड, जिसमें एंग्रो फर्टिलाइजर जो है उसकी डिविडेंड यील्ड इस वक्त 16-17% है, जो करंट मार्केट सेकेंडरी मार्केट रेट्स हैं उससे बेहतर दे रहा है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड देखें राइट तो उसका भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15-16% की डिविडेंड यील्ड हो सकती है इस साल भी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी बेहतर हुई हैं और करेंसी भी वीक हो रही है, जिसका उनका जो है फायदा होता है। इसके साथ साथ अगर हम सिलेक्टेड बैंक की बात करें तो एमसीबी और यूबीएल भी और बैंक अल्फला भी जो है जो डिविडेंड देते हैं एनुअली, वो भी आपको 15-16% डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं, जो इस मार्केट में भी आप उससे फायदा उठा सकते हैं। आबाद हबीब मेट्रो, अभी मेट्रो का भी डिसेंट डिविडेंड यील्ड है, बट शायद 15-16% ना हो, ओके उससे कम होगा। इन्वेस्टर्स को कि दे शुड बी लुकिंग फॉर सेफ हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं चाहे सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, जिसमें आपकी फाइनेंसिंग रेट्स बढ़ने के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बट दूसरे सेक्टर्स जिनपे ये इम्पैक्ट कम होता है और जो अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं उनमें अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, अगर आप एग्रो फर्टिलाइजर की बात करें, अगर आप पीआईसीटी की बात करें, अगर आप सेफ पावर की बात करें, तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे डिविडेंड के साथ साथ शेयर प्राइसेस में भी इनकी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। तो हम यही राइट रिकमेंड करेंगे कि इन टाइम्स में हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में स्टिक करें, और जैसे ही इनको मजीद अपॉर्चुनिटी मिले डिप्स पे तो इनको इन रेट्स पे बाय करना चाहिए। राय के नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेड है कि इंपोर्ट के नंबर काफी बेहतर हों और $5.5 अरब तक ये आ सकते हैं। तो अगर इसी के आसपास नंबर रहते हैं तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर भी इसी के पिछले महीने से काफी बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि हमारे रिजर्व और एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन बेहतर है। तो अगर आपको हम थोड़ा सा पीछे लेके जाए, 2008 में अगर आपको याद होगा जब मार्केट फ्रीज हुई थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, तो उस वक्त हमारा जो स्टॉक मार्केट का पीई रेशियो था वो 4x2 अर्निंग था। हम तकरीबन वहीं पे खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि हम ये डिफॉल्ट वाली सिचुएशन भी एवर्ट कर लेंगे और इसको गवर्नमेंट और जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करेगी। तो अगर वो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक इस तरह की वैल्यूएशन हमें शायद ही दोबारा देखने को मिले। एंड अगर आप देखें 2008 में अगर हम देखें और 1998 में भी अगर हम देखें, तो जब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करती हैं उस वक्त मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बजती है, बट अभी इन्होंने सिर्फ आउटलुक को डाउनग्रेड किया है टू नेगेटिव। जाहिर है ये चीजें कंटिन्यू करती हैं तो क्रेडिट रेटिंग भी खराब हो सकती है, बट ये 2008 और 1998 में हमारी क्रेडिट रेटिंग इससे भी खराब हो गई थी, और उससे हम जितनी जल्दी हम अगर पॉलिटिकल मामला और इकोनॉमिक मामला को सुधार लें तो हम इससे बाहर भी आ सकते हैं। और फिच और मूडीज ने जिस तरीके से हमारी आउटलुक डाउनग्रेड किया था उसको इम्प्रूव भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वॉचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं और एक आम इन्वेस्टर जो कैपिटल मार्केट में या इन्वेस्टेड है या वो सोच रहा है कि उसे इन्वेस्ट करना चाहिए तो कौन सा बेहतर रास्ता है। उमेर जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च एंड टॉप लाइन के, समझाने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तरह की सिचुएशन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी बातें नहीं करना चाहिए। उमेर नसीर, ही हैपन्स टू बी हेड ऑफ़ रिसर्च ऑफ़ द टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। उमेर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम।
उमेर, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर देन अस, रादर फार बेटर देन अस. ये जो एक्सटर्नल अकाउंट से लेकर करेंसी तक के चैलेंजेस हैं, इसमें एक जो कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है, जिसके पास होल्डिंग है या कोई बार्गेन हंटर है, उसको आप कैसे एडवाइस करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? जिस तरह हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है और उसका हमें इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है मार्केट में, तो इस टाइम पीरियड में हम जो है ये सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि दे शुड बी लुकिंग फॉर सेफ हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, चाहे सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, जिसमें आपकी फाइनेंसिंग रेट्स बढ़ने के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बट दूसरे सेक्टर्स जिनपे ये इम्पैक्ट कम होता है और जो अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं उनमें अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, अगर आप एग्रो फर्टिलाइजर की बात करें, अगर आप PICT की बात करें, अगर आप सेफ पावर की बात करें, तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे डिविडेंड के साथ साथ शेयर प्राइसेस में भी इनकी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई. तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि इन टाइम्स में हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में स्टिक करें और जैसे ही इनको मजीद अपॉर्चुनिटी मिले डिप्स पे तो इनको इन रेट्स पे बाय करना चाहिए. बट गोइंग फॉरवर्ड भी आपको लगता है कि जिस तरह के चैलेंजेस आने जा रहे हैं, डिस्पाइट ऑल दैट यू थिंक के दीज स्टॉक शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म बेटर? वी डेफिनेटली डोंट थिंक सो. अगर आपको हम थोड़ा सा पीछे लेके जाए, 2008 में अगर आपको याद होगा जब मार्केट फ्रीज हुई थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, तो उस वक्त हमारा जो स्टॉक मार्केट का PE रेशियो था वो 4x टू अर्निंग था. हम तकरीबन वहीं पे खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि हम ये डिफॉल्ट वाली सिचुएशन भी एवर्ट कर लेंगे और इसको गवर्नमेंट और जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करेगी. तो अगर वो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक इस तरह की वैल्यूएशन हमें शायद ही दोबारा देखने को मिले, अनटिल अनलेस हम गॉड फॉरबिड डिफॉल्ट होते हैं. बट ऑन द क्राइसिस साइड, आपको ये 2008 से मुख्तलिफ सिचुएशन लगती है या वैसी सिचुएशन लगती है? उस दौर में भी जो बदला था वो 15-17 billion के आसपास था, इस वक्त भी उतना ही है, वॉल्यूम लेवल्स भी वैसे ही हुए हुए हैं, और गोइंग फॉरवर्ड भी एक अनसर्टेनिटी थी, IMF का चैलेंज था, IMF का चैलेंज आज उतना शदीद नहीं है. बट आज जो सबसे बड़ी बात हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फिट्स की डाउनग्रेडिंग जो हुई है हमारे लिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट दैट पीपल फील के ये कोई 2.5-4 billion की लाइबिलिटी पे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है. How much logical this statement or rather notion is? नहीं, अगर आप देखें 2008 में अगर हम देखें और 1998 में भी अगर हम देखें, तो जब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करती हैं, उस वक्त मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बजती है. बट अभी इन्होंने सिर्फ आउटलुक को डाउनग्रेड किया है टू नेगेटिव. जाहिर है ये चीजें कंटिन्यू करती हैं तो क्रेडिट रेटिंग भी खराब हो सकती है, बट ये 2008 और 1998 में हमारी क्रेडिट रेटिंग इससे भी खराब हो गई थी. उस वक्त जाके सिचुएशन इतनी वर्स हुई थी, तो मुझे लगता है कि हम उस नहज पे अभी नहीं पहुंचे और उससे हम जितनी जल्दी हम अगर पॉलिटिकल मामलात और इकोनॉमिक मामलात को सुधार लें तो हम इससे बाहर भी आ सकते हैं. और फिच और मूडीज ने जिस तरीके से हमारी आउटलुक डाउनग्रेड किया था उसको इम्प्रूव भी कर सकती है. अंडरस्टूड. सो हाउ अबाउट एक्सटर्नल अकाउंट, आपको लग रहा है कितनी क्विकली चीजें बेहतर हो सकती हैं? डेफिनेटली अब देखिए जो जुलाई के नंबर्स हैं, आज मिस्टर इस्माइल ने भी कोट किया कि जो जुलाई के नंबर्स हैं एक्सपेक्टेड है कि इम्पोर्ट के नंबर काफी बेहतर हों और $5.5 trillion तक ये आ सकते हैं. तो अगर इसी के आसपास नंबर रहते हैं तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर भी इसी के पिछले महीने से काफी बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि हमारे रिजर्व और एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन बेहतर करेगा. बट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होगा कि हम फॉरेन फ्लोज जितने जल्दी रियलाइज हो जाएं तो उससे हमारी करेंसी
अभी जो प्रेशर है वो भी कम होगा और ओवरऑल हमारा सेंटिमेंट बेहतर होंगी तो चीजें ऑटोमेटिकली तो उसी से ड्राइव हो रही होंगी। गिवन द सिचुएशन, मैं चाहूँगा आखिर में आप ये बताएं कि ग्लोबली जिस तरह की सिचुएशन रहने जा रही है उसमें इनफ्लोस पाकिस्तान आने के चांसेस एक्विटी में ख़ास तौर पे मेरे नज़रिए के मुताबिक कम दिखते हैं। अगर इनफ्लोस नहीं आते और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं अदर देन दी IMF वहाँ से अगर सिर्फ फंड्स का फ्लो हो जाता है और ये 30-31 बिलियन डॉलर की जो लाइबिलिटी है वो 12-18 महीनों में पाकिस्तान नज़र आता है अगले 2-3 महीनों में कि मीट कर लेगा, इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, तो गिवन दिस पर्टिकुलर सिनारियो वुड यू बी सजेस्टिंग इन्वेस्टर्स टू लुक एट दी एक्विटी मार्केट? इफ यस देन व्हाट आर द स्पेसिफिक सेक्टर्स विच कुड बी योर पिक? ओके, सो अगर मैं इनफ्लोस की बात करूँ तो जैसे आपने कहा कि ग्लोबल सिनेरियो इस तरीके से है कि अभी US के फेड रेट्स बढ़ रहे हैं और जनरली हमने आउटफ्लो देखा है इमर्जिंग और डेवलपिंग मार्केट से, तो इनफ्लो तो हमें नजर नहीं आता और पिछले 2-3 सालों में भी हमने देखा है कि पाकिस्तानी मार्केट में फॉरेनर्स का नेट आउटफ्लो भी रहा है। बट ये जो भी हमारी मार्केट में लिक्विडिटी आती है वो देट विल बी ड्रिवन बाई लोकल लिक्विडिटी, लोकल ही इन्वेस्ट करेंगे। और अगर जैसे आपने सवाल किया कि इन हालात में भी आप रिकमेंड करेंगे तो डेफिनेटली इसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स और सेक्टर्स जो आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड देते हैं और सेफ स्टॉक्स, उनमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं। वरना जाहिर सी बात है कि जो फिक्स इनकम की साइड पे जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं वो अभी काफी ज्यादा हैं। बट जैसे अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स मिल सकते हैं जिसकी डायनेमिक्स भी अच्छे हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमें नजर आ रहा है कि थोड़ी टैक्सेशन इश्यूज हैं बट बहुत ज्यादा कोई डिविडेंड के साइड पे रिस्क नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ हमें कुछ ENP कंपनीज हैं सिलेक्टेड जिनमें अच्छे डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपोजर दिया जा सकता है। I'm short of time. मुझे बता सकते हैं कैन यू नेम 2-3 स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर जो कि बीट कर रहे हों प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट को, 15% 17% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक कैन यू रेफर? जी जी जरूर। तो अगर आप देखें एंग्रो फर्टिलाइजर जो है उसकी डिविडेंड यील्ड इस वक्त 16-17% है जो करंट मार्केट सेकेंडरी मार्केट रेट है उससे बेहतर दे रहा है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड देखें तो उसका भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15-16% की डिविडेंड यील्ड हो सकती है इस साल भी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी बेहतर हुई हैं और करेंसी भी वीक हो रही है जिसका उनका जो है फायदा होता है। इसके साथ साथ अगर हम सिलेक्टेड बैंक की बात करें तो MCB और UBL भी और बैंक अल्फला भी जो है जो डिविडेंड देते हैं एनुअली वो भी आपको 15-16% डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं जो इस मार्केट में भी आप उससे फायदा उठा सकते हैं। अब आप हबीब मेट्रो, हबीब मेट्रो का भी डिसेंट डिविडेंड यील्ड है बट शायद 15-16% ना हो उससे कम होगा। ग्रेट उमेर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगु रहे उमेर नसीर। उमेर नसीर इज़ दी हेड ऑफ़ रिसर्च एट टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। समझाने की कोशिश की कि जस्ट डायरेक्टली एंटरिंग टू द मार्केट और एंटरिंग टू अ पर्टिकुलर फंड इज़ नॉट राइट, यू हैव टू थिंक विच स्टॉक्स इन विच म्यूचुअल फंड कैटेगरी इज़ गुड गिवन द पर्टिकुलर सिचुएशन। उमेर नसीर ने पॉइंट आउट किया कि देर आर कपल ऑफ स्टॉक्स के जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो करंट इंटरेस्ट या पॉलिसी रेट से ज़्यादा है, आई 15-16% से ज़्यादा रिटर्न देने वाले कोई हाफ अ डजन से ज़्यादा स्टॉक उन्होंने नाम लेके बताया, इसकी डिटेल भी मौजूद है। आई कैन ऑल्सो शेयर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अगर वो फर्दर डिस्काउंट पर जाते हैं तो उनमें इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। यासिर कादरी ने 2-3 चीज़ों को क्लैरिफाई किया कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में और टैक्स क्रेडिट के कानून में तब्दीली की वजह से वो परेशान हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एकदम डाइवर्स कर दें या रिडीम कर दें यूनिट्स को, उनको पहले किसी टैक्स के कंसल्टेंट या एडवाइज़र से मशवरा कर लेना चाहिए। बिकॉज़ ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि होल्डिंग पीरियड 2 साल का है तो 2 साल तक लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को जो म्यूचुअल फ़ंड में है वो रखना चाहिए बिकॉज उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी या पेनल्टीज पड़ सकती हैं। दी अदर थिंग विच ही पॉइंटेड आउट वॉज
कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को साइज का और डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना है, जिसमें चाइनीज वॉल इज़ वन थिंग, सर्टन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर द हर्डल्स, एंड एट द एंड व्हाट ही पॉइंटेड आउट वाज कि एक अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग कि रेगुलेटर मुफाफ के साथ मिलकर उस तरह के रोल को सोच रहा है जिस तरह का रोल नैस्डेक में ब्रोकर्स को मिला हुआ है। वो सेल्फ रेगुलेट करते हैं, खुद अपने साथियों के ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, खुद उन्हें बिहेव कराते हैं और ख़ुद इन्वेस्टर के जो मफादात हैं उसका तहफ़ करते हैं। ये वाली चीज़ म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में अगर हो जाती है तो ये एक रोल मॉडल होगी टू द ब्रोकरेज इंडस्ट्री, जो कि ऐसा लगता है कि खुद ब खुद अपने आप को कम कर रही है, इन्वेस्टर साइज़ को कम कर रही है, मार्केट के साइज़ को कम कर रही है, और जो मार्केट नैरो है उसे मज़ीद नैरो से नैरो छोटी से छोटी कर रही है। वी होप कि गोइंग फॉरवर्ड रिफॉर्म्स को मार्केट में जगह मिलेगी, रीज़नेबल वादों को मार्केट में जगह मिलेगी और ये मार्केट भी दूसरी मार्केट्स की तरह ग्रो करेगी।